वेलकम बैक। मेरा नाम है शोएब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ है विजय अय्यर साहब। ये एक्चुअली मेरे कस्टमर भी है और मैं भी इनका कस्टमर हूँ। ये मुझसे फिश फीड और मेडिसिन वगैरह लेते और आप लोगों ने अगर हम लोगों के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन परचेस किए होंगे तो आपने देखा होगा कि बॉक्सेस में पैक होकर आते। वो सारे बॉक्स विजय अय्यर साहब बनाते और इनका मेन बिजनेस जो है वो बॉक्सेस का है, कोरिएटर बॉक्सेस जी। और मेरे साथ इस तरफ है फारूक भाई। फारूक भाई को आप लोगों ने पहले भी बहुत से वीडियोज़ में देखा होगा, ये बायोफ्लॉक में फिश फार्मिंग भी करते हैं और बायोफ्लॉक में फिश फार्मिंग करने के बाद में इन्होंने स्टार्ट किया दुकान डाले अपने मछलियों का कटिंग सेंटर डाले और उसके बाद अभी ये ट्रेडर भी बन गए। और जैसे इनको मछली बेचनी थी तो अपने फारूक भाई ने उनकी मछलियाँ खरीद लिए। विजय भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप तो बॉक्सेस का काम करते थे तो अब आप बायोफ्लॉक में कैसे इंटरेस्ट ले लिया आपने? मैं ऑनलाइन में देखता था यूट्यूब में सब, और पहले से फिश का इंटरेस्ट था, जैसा कि घर में फिश टैंक रखना ये सब। सो बिजनेस इंटरेस्टिंग लगा तो इसमें आगे। अच्छा, तो ये आपका सेकंड बैच है। फर्स्ट बैच जो है वो आपका टोटली फेल हो गया था, और फेल किस वजह से हुआ था? हमारे यहाँ पे जब एक बार आंधी आई थी बारिश के टाइम में तो पोल, इलेक्ट्रिक का पोल गिर गया था टैंक के ऊपर। Okay. और उस टाइम में सब फिश की मॉर्टेलिटी हो गई। तो मतलब पानी में इलेक्ट्रिक की जो वायर्स होती है वो चली गई और करंट की वजह से सारी मछलियां मर गई और आसपास भी जो है वो काफी नुकसान हो गया था आपके फार्म को। फिर आपने फिर से हिम्मत किए तो आपको ऐसा लगा कि मतलब नहीं, फिर से नहीं करना चाहिए या मैं रिस्क लूंगा? नहीं, वो हमारी फर्स्ट कल्चर थी और बाद में वो तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस था जी, जिसकी वजह से वो गिर गया, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सो उसमें हिम्मत तो नहीं टूटी, उसके लिए सेकंड कल्चर। और जैसे कि अभी आपने सेकंड कल्चर किए तो आपने कितने महीने में अभी ये जो मछलियाँ हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, कितने महीने में रेडी हो गई? ये हमारी 6 मंथ्स में रेडी हो गई। 6 मंथ में रेडी हो गई। अभी लगभग कितने ग्राम की थी? लगभग 400 से 700 ग्राम की एवरेज थी हमारी। 500 से 700 ग्राम के बीच में 19-20 अलग अलग साइज की फिशेज थी। तो अभी जैसे कि आपने एक बार पहले भी हार्वेस्टिंग किया है, मतलब हार्वेस्टिंग मतलब टोटल हार्वेस्टिंग नहीं, पार्शियल हार्वेस्टिंग, ये आप सेकंड टाइम फारूक भाई को दे रहे हैं। तो हमारे जो फारूक भाई है ये मछलियां लेते भी है, और अगर आप में से किसी को मछलियां बेचना हो तो फारूक सर का नंबर हम लोग नीचे दे देते हैं, आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रहे कि मतलब ये आस पास, जैसे हम लोग मुंबई, थाने, पुणे तक जाओगे, पुणे नगर, नासिक, थाने और आस पास शाहपुर वगैरह, पालघर। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता दूं कि फारूक भाई आसपास के लोकेशन से माल लेंगे, जैसे कि अगर कोई फोन करेगा वेस्ट बंगाल से ले लो, यूपी से ले लो, कर्नाटका से ले लो, तो वहां से आप नहीं ले सकोगे। तो महाराष्ट्र में कुछ बॉर्डर अंदर था। गुजरात में कहां तक? अपना सूरत हुआ, बड़ौदा हुआ, यहां से रोहू, जिंदा रोहू में होगा। अच्छा, कौन सी मछलियाँ लोगे आप? रोहू हो गया, कटला, पंगास तो सबसे ज्यादा चलता है जी। और उस दिन आप बता रहे थे सिंगी भी लोग, सिंगी का जब अपने पास पहले लोग आते थे बहुत परेशान रहते थे, सिंगी कहाँ बेचेंगे। बराबर, सिंगी हुआ, कोई हुआ, लेकिन अभी हमारे पास में पार्टी है, हम सबका माल खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों को ना फारूक भाई प्रॉब्लम होता है सिंगी बेचने में और कोई बेचने में, क्योंकि कोई का और सिंगी का डिमांड थोड़ा कम रहता है। तो आप कन्फर्म किसी के पास होगा तो ले लोगे? अभी ठंडी के सीजन में कोई ज्यादा चलता है। अच्छा, गर्मी में थोड़ा रेट कम रहता है। अच्छा, मतलब आप ले लोगे क्योंकि दूसरे ट्रेडर्स जल्दी लेते नहीं है। नहीं नहीं, तो आप ले लोगे? लेते जी, अभी लिए, 2-4 लोगों का लिए। अच्छा विजय भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी आप यहाँ पर फार्मिंग कर चुके हो, ठीक है, आपने अभी एक हाथ दो बार माल बेचा भी है, तो आप इसको एक्सपांड करने का सोच रहे हो कि अभी इतने में कंटिन्यू करोगे? नहीं, एक्सपांड करने का तो प्लान है, अभी एग्रीकल्चर भी हम इसी में करेंगे। अच्छा, उसके आगे हम एक्सपेंशन का प्लान करते हैं। अच्छा, और जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये 1 लाख लीटर का टैंक है और बाकी सारे जो टैंक है ये 30,000 लीटर के टैंक है, तो इसमें जैसे आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे, 30,000 लीटर का टैंक अच्छा या 1 लाख लीटर का टैंक अच्छा? 1 लाख जितना बड़ा टैंक उतना बेटर होता है। अच्छा, वॉल्यूम अगर कम रखोगे तो 30 लाख में भी कर सकते हैं, 30,000 में भी जी, पर 1 लाख ज्यादा एडवाइस है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा होता है कि अगर वॉल्यूम कम रखेंगे, डेंसिटी कम रखेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो जितनी ज़्यादा मछलियाँ होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है इस काम में। तो इसीलिए हमेशा कोशिश ये करो कि ज़्यादा टैंक्स बनाओ और ज़्यादा बड़े टैंक्स बनाओ। हाँ, बराबर। और आपने पीछे यहाँ पर एक तालाब भी बनाया है अभी। हाँ, तो वो तालाब का क्या प्लान है आपका? उसको हम लोग क्लोज करने का सोच रहे हैं और उधर भी यही टैंक्स ही बनाने का प्लान कर। अच्छा, तो उसमें भी आप बायोफ्लॉक वाला सिस्टम ही लगा दोगे? सेम, फ्रेश वाटर में करोगे? फ्रेश वाटर का करोगे। अच्छा, और इसके अलावा आप लोगों से कुछ बताना चाहोगे कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? पर्सनल एक्सपीरियंस तो ठीक है, फर्स्ट लॉट में हमारा लॉस हो गया था।
बट उसके बाद अभी कल्चर प्रॉपर चल रहा है। अच्छा इंटरेस्टिंग है बिजनेस। मतलब इंटरेस्टिंग इन द सेंस व्हाट, पैसों के इससे इंटरेस्टिंग है कि इसमें अच्छी इनकम होने का ऐसा आपको स्कोप दिखाई दे रहा है या फिर एक मजा आता है? मुझे तो बेसिकली मजा आता है काम करने में। अच्छा फर्स्टली, सेकेंडली पैसा भी है। अच्छा पैसा भी है, फारूक सर पैसे देंगे भी। पैसा है लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे करेंगे ना तब जाके पैसा, तो पैसा है। मैं तो शुरुआत से बोलता हूँ कि बड़े पैमाने पे ये जो कम मछलियों में कोई कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें कुछ मजा नहीं है ना तो कुछ प्रॉफिट है। बराबर साइड का देखो, 6 महीने का लंबा ड्यूरेशन, 6 से 7 महीना 8 महीना भी हो सकता है ना, तो 6-8 महीने का लंबा ड्यूरेशन है और उसके बाद में अगर आप 2-5 हजार मछली डालोगे तो 6 महीने के खर्चे कैसे निकालोगे? फार्म के एक्सपेंस, घर के एक्सपेंस, लेबर की सैलरी कैसे निकालोगे? तो उससे बेटर ये है जितना बड़ा करेंगे उतना सक्सेस। बराबर बराबर। तो आपका फार्म जो आपने किए तो आपके फार्म से आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? नहीं अभी पहले तो था डाउट था कि टैंक में मच्छी होगी या नहीं होगी। अच्छा लेकिन अभी एग्जांपल हमारा हार्वेस्टिंग हो गया। हाँ। भाई का हार्वेस्टिंग हो गया। बराबर। तो कंफर्म हो गया कि टैंक में मच्छी होगी। अच्छा लेकिन अब उसको कितने बड़े पैमाने पे ले जाओगे आप, कितना कर सकते हो आप लोग? पहले लोग कैसे 10,000 लीटर लगाते थे, स्टार्टिंग 10,000 से हुआ। बराबर। और मेरे हिसाब से 10,000 पूरा फ्लॉप था, 10,000 लीटर का टैंक डालना ही नहीं, नहीं डालना चाहिए। हाँ आपको बच्चा डालने के लिए, नर्सरी करने के लिए 10,000 लीटर तक सही है। अच्छा उसमें अब 50-30 ग्राम माल हुआ ना तो आप फैला दो, बाहर निकालो, बड़े तालाब में डालो। बराबर। जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा करो। बराबर। लेकिन होएगा। सही बात। अब आपके ऊपर है उसमें खर्चा कितना करते हो, कितना बचा पाते हो, वो आपके ऊपर है। तो आप मतलब एडवाइस करोगे कि करना चाहिए फिश फार्मिंग या फिर बायोफ्लॉक? बायोफ्लॉक करना चाहिए लेकिन बड़ा बड़ा, लाख लीटर के, जितना बड़ा टैंक रहेगा उतना अच्छा रहेगा। बराबर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को मछलियाँ खरीदना भी हो तो फारूक भाई के पास बड़ी मछलियाँ भी मिल जाती है। अगर आप भिवंडी के पास हो, थाने के पास हो या कहीं पर हो तो फारूक भाई की दुकान पर आपको बड़ी मछलियाँ मिल जाएगी। तो विजय भाई बहुत अच्छा लगा आज आपके फार्म पे आके और आपकी मछलियाँ देख के और आपसे बात करके, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है हमारे व्यूअर्स को। और फारूक भाई तो हमारे ऑल टाइम फेवरेट ही है और फारूक भाई के साथ में मैं और भी वीडियोस बना चुका हूँ बायोफ्लॉक के ऊपर भी और इनके दुकान के ऊपर भी, तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप उसको भी देख सकते हो। और अगर आपने आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और फीड वाले को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू।